नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुर्बे क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये बयान की थी कि जो अगले होंगे वो पिछलों पर लानत करेंगे माज़ल्लाह। तो प्लानिंग की गई, चूँकि उम्मत में हमेशा खैर थी, मनसूबाबंदी की गई, सहाबा से लेकर काम शुरू किया गया और दाता साहब तक और दाता साहब से लेकर आला हजरत तक हर सूफ़ी के बारे में, हर दरवेश के बारे में, हत्ता के सहाबा और अहले बैत के बारे में भी लोगों के ज़हन में बातें पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए कि ग़ुलाम इतना बुरा नहीं होता जो किसी का मुलाजिम हो, वो इतना तंग नहीं होता जितना मशकूक आदमी तंग होता है कि पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। ये जो लोग डबल माइंडेड होते हैं ना, इसको छोड़ देंगे, सही चल रहा है, आप तशरीफ़ रखें, आप बैठ जाएँ, अल्लाह खुश रखे, गर्मी जो है वो सब के लिए ही है, अब आप तशरीफ़ रखें और मुझे मौका दें बात करने। भाइयों, शक पैदा किए जाते हैं। एक बात आपने अच्छी तरह अपने ज़हन में रख लेनी है कि किताब व सुन्नत में ना एक पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं, अहदीस मुबारक में पूरा चैप्टर है, पूरा बाब। इधर देखो नौजवानों, क्या कहने लगा हूँ, एक पूरा बाब है जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि तुमने कुछ लोगों से नफरत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए और कुछ लोगों से मोहब्बत करनी है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। एक दो तीन नहीं, पूरा बाब है। अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करना है। अपना जहन बना लें कि हमने तशकीक की तरफ नहीं जाना, शक की तरफ नहीं जाना। अगर हम थोड़ा सा यकीन का सफ़र हासिल करें ना, यकीन का, आपकी अपनी बात भी अपने ऊपर असर करती है। अगर आप खुद भी बोल के कहें ना, छोड़ यार तू क्या फजूल बात कर रहा है, ये मेरे नबी पाक की उम्मत है, ये हो सकता है कि इस उम्मत से खैर ख़त्म हो जाए, तू गलत बात कर रहा है, आपकी अपनी बात भी आपके ऊपर असर करेगी। आप खुद भी ये बोलियाँ बोलें कि वो खुदा के बंदो, तुम कहीं बैठ के गलत तहकीक कर रहे हो, वो जो सहाबा थे ना, उन्हें तो हुजूर से डायरेक्ट फैज़ लिया था, वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत थे, उन्होंने तो आगोश रहमत में बैठकर तरबियत ली थी। आप कहें कि औलिया अल्लाह किताब व सुन्नत के अमीन थे, वो कैसे बददियानती करेंगे, वो तो अमीन थे, दयानतदारी के साथ घर बार छोड़ के तबलीग के लिए निकले थे। आप रोने वाली को बात सुनाने लगे ना किसी को, दुख वाली, तो आप पहले खुद रो पड़ते हैं और आपके ज़हन में बैठ जाए ना, मैं हंसने वाली बात करने लगा हूँ, तो बात सुनाने से पहले बंदा खुद हंस पड़ता है। इसका मतलब है दूसरे की तकरीरी असर नहीं करती, अपनी बात भी अपने ऊपर असर करती। इसलिए खैर के जुमले के सिवा कभी कोई ज़ुबान से बात न निकाले, वरना खुद आप मशकूक हो जाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें, हदीस पाक सुने, अत-तरगीब व तरहीब में, दीगर बहुत सी कुतुब में मौजूद है। हजरत अबू इदरीस ख़ौलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं जामे मस्जिद दमिश्क में दाखिल हुआ, एक काले स्याह बालों वाला और चमकदार दांतों वाला खूबसूरत नौजवान मैंने मस्जिद में दर्स देते हुए देखा। लोग बहुत सारे बैठे थे, तो जब किसी मसले में उनकी राय मुख्तलिफ होती, इख्तलाफ राय होता, तो उस जवान की तरफ वो तवज्जो करते। वो जवान इतनी खूबसूरती से मसले का हाल बयान करता कि लोग आज शशकार उठते। फरमाते मुझे उनसे मोहब्बत हो गई, मैंने ना अगले दिन सोचा कि आज तो रश ज़्यादा है, कल उस वक्त जाऊंगा जब लोग कम हो गए। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले जामे मस्जिद दमिश्क में पहुंचा, लेकिन वो खूबसूरत नौजवान मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और नफल अदा कर रहे थे। मैं बैठ गया। एक शख्स से मैंने कल ही पूछ लिया, यार ये इतने हसीनो जमील जवान हैं कौन वैसे? कहने लगे आप नहीं जानते, ये नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला। कहते मैं अगले दिन पहले गया, वो नफल पढ़ रहे थे, मैं मस्जिद में दाखिल होते ही ना फारिग हुए तो मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा हजरत अल्लाह की कसम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। और सियासत में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जब अपने किसी भाई से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करो तो उसे बता भी दिया करो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ताकि वो भी तुम्हारे लिए नरम जज्बा पैदा कर ले। या मुआज़ इब्ने जबल, मुझे ना अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे प्यार है। तो वो सहाबी थे ना, वो इस बात का लुत्फ लेने लगे, कहने लगे ज़रा सोच के कहो क्या कह रहे हो, इसका जायका लेने, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है ना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो ये बड़ा आसान काम लोगों ने समझ लिया, दावा कर देना कि मैं फलाने का गुलाम हूँ, ये दावा है। आपसे दलील पूछी जाएगी कि गुलामों के तो रंग ढंगी और होते हैं, साहब मैं फलाने का मुरीद हूँ, तो ये आपको कहना क्यों पड़ा? मुरीद तो कहते हैं उसे हैं जो पीर की मुराद में रहे, हमेशा उसकी तबीयत में रहे, सोच में रहे, ख्याल में रहे कि उनकी चाहत क्या है। कहना क्यों पड़ा? कुछ तो है कि जो आपको बताना पड़ रहा है। क्यों नहीं आपसे वो खुशबू आई जो आपके शेख से आती है? ये कैसे हो गया भाई? फरमाने लगे, जब मैंने कहा ना मुझे मोहब्बत है, तो कहने लगे सोच के कहो। वो फटाफट नारे कबूल नहीं करते थे, वो सियाने लोग थे, तो कहते थे परख ले, जरा सोच ले, ये कोई आसान काम नहीं, पहले जरा थोड़ा सा ना गौर कर ले, गौर कर ले अच्छी तरह। जब तेरा हुक्म हुआ तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस कदर धड़का के क़यामत कर दी। कहते हैं कि मैंने ना फिर कहा हुजूर अल्लाह की कसम मुझे आपसे मोहब्बत है। तीसरी बार कहने लगे फिर सोच लो। मैंने अर्ज़ की हजरत मुआज़ इब्ने जबल से, हुजूर सच कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की कसम आपसे मोहब्बत है। फरमाते हैं वो मेरी बात सुन के इतने राज़ी हुए कि फरमाने लगे सुन फिर अबू इदरीस, मैंने खुद नबी करीम से सुना है, सामने बैठ के सुना है, आँखों से देख के सुना है, अपने कानों से सुना है। मेरे हबीब ने फरमाया था जो दो भाई अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। हमारा लोग मुकदमा तो समझें, दरअसल हम क्या कह रहे हैं, हमें कोई ज़ाती दुनिया का लालच है ही नहीं। दाता गंज बख्श अली अजवेरी से हमें कोई दुनिया का लालच नहीं, हजरत मुज्जद्दद अल्फ सानी से हमें कोई लालच नहीं दुनिया का, हजरत बाहलक नक्शबन्द बुखारी से कोई लालच नहीं, बाबा फरीद से। हमें तो इतना लालच है कि जब हम उनके करीब जाते हैं तो हम रब की रज़ा के लिए उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का बंदा जान के। इसलिए गुमराहियों के सफ़र में ना पड़े। हमारे तो लोगों ने तबसरे उल्टे सीधे करके ये हाल कर दिया है कि इतना सोना वतन, इतना मीठा वतन, इसमें कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं। ना कोई सियासतदान अच्छा रहा है, ना कोई ताजर अच्छा रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा रहा है, ना जनाब पुलिस वाले अच्छे रहे हैं, ना जनाब बाबडा वाले अच्छे रहे हैं, ना मौलवी अच्छे रहे हैं, ना कोई अच्छा है ही नहीं। किसी का नाम ले लें और आप मजाक उड़ा लें जितना मर्जी। ये तो बाकायदा कोशिश की गई, और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूँगा ये काम सब ने किया, सब ने, ये सब ने। इसमें वो रात को जो एंकर TV पे बैठे थे उन्होंने भी तबसरे किए। वो चार मुख्तलिफ जमातों के जो बंदे बुलाते हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि तुमने एक दूसरे की खामियां बयान कर दी, और जितनी ज़्यादा लड़ाई हो प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है, जितनी ज़्यादा लड़ाई हो। यही काम बाकी जगहों पर किया गया। पीर साहब के पास, सूफी साहब के पास लोग तावीज़ लेने गए थे, उन्होंने नई मुसीबत डाल दी, उन्होंने कहा तेनू किसी ने कुछ किया है। वो मामला वैसे ही गड़बड़ हो गया, सारी रात सोचता रहा कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। मजहबी स्टेज पर लोग आए थे, यहाँ उनका ख्याल था कि शायद हमारे लिए कोई बड़ी खैर की बात होगी ना, यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बाजू ऊपर करके कहा कि आज मैं दसना है अहले बैत दी शान की है। ओ मियाँ तू की दसनी है? अहले बैत दी शान तो अल्लाह ने कुरान में बता दी, हुजूर ने हदीस में बता दी, आप क्या अनोखी बात बयान करेंगे? मैंने आज बताना है बाजू चढ़ा के कि सहाबा की अजमत क्या है, आप क्या बयान करेंगे? आप नकल करें जो कुरान और सुन्नत से पढ़ा है, उसका इबलाग करें और आप जाएँ। आप इंतशार का कोई काम ना करें। मैं और आप जितने मुस्बत रहेंगे, आपको बताऊं अगर हमारे ज़हन मुस्बत होते ना तो दुनिया में बड़े बड़ी अच्छी खैर हमें नजर आती, बड़े बड़े सोने लोग मिलते, बड़े बड़े नफीस लोग मिलते, बड़े बड़े दरवेश मिलते। मुझे तो बड़े मिले हैं जिंदगी में, बड़े बड़े खैर वाले लोग। लेकिन चूंकि यहाँ माइंड सेट हो गया है कि दुनिया सारी खराब हो गई है, इसलिए कोई बंदा अच्छा नहीं। अल्लाह के नेक बंदों से सबसे पहले तो अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें। आप उनसे कहे मियाँ तू जो कह रहा है ना तो अपने पास रख, मैंने तो हदीस में पूरा बाब पढ़ा है कि अल्लाह के बंदों से प्यार करना है रब की रज़ा के लिए। इसको जहन में अच्छी तरह संभालें, और आपको तारीख में ऐसे हसीन लोग मिलेंगे जो सफ़र करते थे रब के बंदे से मिलने के लिए। अब तो लोग सफ़र नहीं करते, अब तो ज़्यादातर यही कहते हैं साढ़े घर आके ज़ियारत करा दो। हाँ, और जनाब अस्सलाम वालेकुम पीर साहब जी। वालेकुम सलाम, बड़ी चाहत है जी, आपसे बड़ा प्यार है। अच्छा जी, तो कहते टाइम दे दो। तो भाई ये किस किस्म की चाहत है? आपको चाहत है तो आप चल के आएँ, आ करके मुलाकात करें। और ये चाहत मुकम्मल भी तब होती है जब बात मान ली जाए। अगर पीर साहब कहें टाइम कोई नहीं तो चाहत ख़त्म, छुट्टी। वो चाहत भी इतनी है सिर्फ कि जब तक बात मान ली जाए, यानी फर्मा बरदारी में बंदा रह गया तो चाहत पूरी, और अगर कहीं फर्मा बरदारी से निकल गया तो चाहत ख़राब। हजरत हरम बिन हयान, ये दाता साहब ने लिखा है। चलें इत्तेफाक से दाता साहब की बात भी आ गई। दाता साहब कहते हैं हजरत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मुझे पता चला ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उवैस करनी की तारीफ़ फरमाई है और कहा है कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो कहते हैं मैं हजरत उवैस करनी को ढूंढने निकला, मस्जिद ढूंढने नहीं, किताब ढूंढने नहीं, रब का बंदा ढूंढने। मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में, कहते हैं मैं मक्के मदीने जहाँ जहाँ मुझे खबर मिलती मैं गया, जहाँ जाता लोग कहते यार वो तो बड़ा दीवाना आदमी है। ये दाता साहब ने लफ्ज़ लिखे हैं। दाता साहब कहते हैं हज़रत उवैस करनी का हाल ये था कि जब लोग हंसते थे तो वो रोते थे और जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। असी किसे दे कुछ नहीं जे लगते ते ना कोई साडा दर्दी। वो ज़रूरी है कि जिस तरह दुनिया चलाए वैसे चलना है। आपका कोई नज़रिया हो, आप अपने नज़रिए में मस्त होकर ज़िंदगी गुजारें। फरमाते मैं ढूंढते ढूंढते पहुँच गया इराक, नहरे फुरात के किनारे वुजू कर रहे थे और मैंने वुजू करते उन्हें पा लिया। वो फारिग हुए तो मैंने कहा सलामु अलैकुम, पहली मुलाकात थी। दाता साहब कहते हैं हजरत उवैस करनी ने पलट के देखा तो कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कहते मैंने कहा हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं, तो कहने लगे मैं तुझे तो नहीं जानता पर मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये वाकफियत है, दिल का एक दूसरे के साथ रब्त है। फरमाते मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा को नसीहत कर दें, तो कहने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, और दूसरी नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दिया है ना उस पर राज़ी हो जा, इधर उधर जाएगा तो तू नाशुक्रा हो जाएगा, जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत वाली ज़िंदगी अता कर दे। अल्लाह के बंदों से फ़कत अल्लाह की रज़ा के, रब की रज़ा के लिए प्यार करें। दूसरी बात, हमारे ये जो सूफियात थे ना, औलियात थे, ये नज़रियाती लोग थे, फ़िक्री लोग थे। जो फ़िक्री आदमी होता है ना, नज़रियाती बंदा, वो ज़माने के मुताबिक नहीं चलता, नज़रिए के मुताबिक चलता है। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते। ये नौजवान ज़रा मेरी बात पे तवज्जो करें। ये कहते हैं कि शायद बंदा वो ठीक होता है जिसकी मुखालफत कोई ना करे। रब फरमाते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। तो फिर कुछ लोग उनकी मलामत करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता दीन की तबलीग करना, वो उन्हें बुरा भी कहते हैं। रब फरमाते हैं वला यखाफूना लौमता लाइम, वो किसी बुरा कहने वाले की बात की परवाह नहीं करते। लोग मलामत करते हैं पर वो परवाह, तो ये कौन है? रब फरमाते ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये वो हैं जिन पर अल्लाह का फजल है, और युअ्तीही मन यशा, ये वो फजल है जिसे रब चाहता है अता करता है। हमारे बुजुर्गों ने काम किया, लोगों को चूंकि असल में ना नज़रियाती होना काम बड़ा मुश्किल है। नज़रियाती किसे कहते हैं? मैं आपकी और अपनी समझ के मुताबिक एक बात अर्ज़ करता हूँ। बंदा पीर साहब के पास गया, उसने कहा हजरत साहब मैंने सारे डॉक्टरों से मुलाकात कर ली है, रिपोर्टें ठीक हैं, हकीम सारे मैंने चेक कर लिए हैं, मामला ठीक हैं, दम दुरूज तवीज़ दरबार रास्ताना हर जगह हो आया हूँ पर मेरे घर औलाद नहीं होती। अब आपको कामिल पीर समझ के आया हूँ, आप कोई तवीज़ करें कि काम हो जाए। ये अच्छी बात है, अल्लाह के बंदे को दुआ करनी चाहिए, पर नज़रिया क्या है? नज़रिया ये है कि रब का बंदा उसे कायल करे कि अगर अल्लाह का तेरे बारे में फैसला ये है ना कि तेरे घर में औलाद नहीं होनी चाहिए, तो फिर तू रब के फैसले पे राजी रहे। ये नज़रिया है। ये लोग नज़रियाती थे, ये लोगों को कायल करते थे कि नज़रियाती मुसलमान बनो, फिक्री। अगर अल्लाह चाहता है मैं बीमार रहूं तो ठीक है, फिर जिस हाल में रब राजी उस हाल में रब का बंदा राजी। अगर अल्लाह चाहता है मेरा उरूज ना हो मेरा उरूज, मुझे थोड़े लोग जाने, तो जिस हाल में रब रखे मुझे उस हाल में रहना चाहिए। मैं आपको अपने समेत ढेरों लोगों की ऐसी बात बता सकता हूं जिनमें जाती कोई कमाल नहीं, वो अपनी खूबियां तलाश करते हैं तो सिवाय सिफर के कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन पता नहीं रब क्या काम लेना चाहता है, वो खुद ही निज़ाम बनाता है, ले लेता है। तो जिंदगी में नजरियाती, हमारे बुजुर्ग नजरियाती थे, अकीदे पक्के थे उनके, कच्ची पक्की बातें नहीं। एक बात दाता साहब की सुने पहले। दाता अली अजवेरी कहते हैं कि एक ना मलंग बाजार में सौदा लेने आया, और उन दिनों आया जब कहत पड़ा हुआ था, महंगाई बड़े उरूज पे हो जाए तो सारे लोग नहीं परेशान हो जाते। कहत पड़ गया, चलें महंगाई वाली मिसाल शायद ज्यादा ठीक ना हो, चूंकि अमीर लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती, ये नहीं देते, कोई और मिसाल देते हैं। जिस तरह लॉकडाउन में नहीं लोग परेशान होते, अब मेरा ख्याल है समझ आ गया मसला आपको आसानी से। ये मिसाल दे रहा हूं मैं, तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास। दाता साहब कहते हैं कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भूखों मर रहे थे, हर बंदा परेशान था। ये देखें हमारे बुजुर्ग तरबियत किस तरह करते हैं। फरमाते हैं एक दरवेश मलंग गुलाम सौदे वाला थैला लेके ना तो बाजार में हंसता खेलता अटकेलियाँ करता पहुंचा, बड़ा हंस हंस के सामान खरीदा, कंधे पे रखा, और उसी मस्ती में लौटने लगा तो सारे परेशान हो। तो एक बंदा हंसे तो बाजों का लोग चिढ़ भी जाते हैं, कहते कुछ लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे सारी दुनिया जो परेशान है तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं। वो कहने लगा तुम हो गए परेशान। मैं जिस सेठ साहब का नौकर हूँ ना, जिस आका का मैं गुलाम हूँ, उसने टाइम पे ही गंदम जमा कर ली थी, उसके बड़ोले खजाने भरे हुए हैं, लिहाजा हम बड़े खुश हैं। दाता साहब अकीदा मजबूत करते हैं, नजरिया देते हैं। दाता साहब फरमाते हैं लोगों, जितना उस गुलाम को अपने सेठ के, अपने आका के खजानों पे यकीन था ना, अगर इतना ही तुझे और मुझे रब के खजानों पे यकीन हो जाए ना, तो फिर हर रोज सवेरे उठ के हम गुर्बत का रोना ना रोए, फिर हर रोज सुबह उठ के हम ये ना कहें कि ओहो इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, यहाँ तो सब लोग धोखेबाज, फिर हर वक्त मायूसी की गुफ्तगू ना करें। नजरियाती अगर हो जाए, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या किया, नजरिया ही तो मजबूत किया। लोग कच्ची पक्की बातें करने लग गए थे, कोई कहता था कि इतना इल्म हुजूर को है तो इतना नहीं है, कोई कहता था जनाब इख्तियारात इतने अल्लाह ने दिए हैं तो इतने नहीं दिए। आला हजरत बरेलवी के ज़माने में कोई कहता था कि पता नहीं हुजूर कब्ले नूर में हयात हैं माज़अल्लाह के नहीं है, कोई शख्स ये कहने लग गया था कि जनाब हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाने लगे कच्ची पक्की बातें करते हो, जिस महबूब की मोहब्बत ईमान है उस महबूब के बारे में शक पैदा करते हो। आप फरमाने लगे तुम कहते हो रब ने इख्तियार दिया कि नहीं, और दिया तो कितना दिया। फरमाने लगे हम तो हुजूर को रब का शरीक कहते ही नहीं, हम तो हबीब कहते हैं। और मुहिब और महबूब का मामला इस तरह का होता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर आप फरमाने लगे ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज, कितनी वैसे कितनी आप सादे अंदाज में भी अगर समझे तो अजीब बात नहीं। आप ज़रा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना अगफिर ली। क्या तर्जुमा इसका आता है, आपको आता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुना दें आप, आता है। पर मेरे सुनने का एडा ही मसला है, कोई गल आती भी होवे तां भी नहीं दसदा, आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना अगफिर ली क्या तर्जुमा है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई के रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहाँ से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन, तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ये क्या तमाशा हुआ, कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दुरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती। इसलिए उन्होंने पक्के अकीदे, कच्ची पक्की बात नहीं। हुजूर कब्रे नूर में हयात हैं कि नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, मदीना शरीफ में हाज़री देने के हवाले से ना एक शख्स ने तहकीक की और उसकी रिसर्च आई, तो उसने कहा कि मैं सोचता था लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रोते हैं, तो लोग सबसे ज़्यादा मदीना शरीफ जाके रोते हैं, बड़ा रोते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुम्बदे खजरा को हाले दिल सुनाए। वहाँ जाके लोग रोते हैं, तड़पते हैं। अब आप शक पैदा कर दें कि पता नहीं हुजूर हयात हैं माज़ल्ला के नहीं, तो आला हजरत ने दो कसमें उठा के कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है महबूब। और उस पर दलाइल दिए। तो मेरे अजीज़, उन्होंने हमारे अकीदे पक्के किए। फिर भी अगर कोई कच्ची पक्की बातें करे, सवेरे कुछ कहे, दोपहर कुछ कहे, शाम कुछ कहे, तो वो बंदा कमज़ोर पड़ा है। वरना हमारी फिक्री की आदत ने हमें दलाइल से, कुतब से, हवाला जात से मुजय्यन किया। तीसरी बात, आला हजरत बरेलवी कहते हैं इल्म का शौक़ पैदा करो। आला हजरत खुद मुरीद हैं एक सिलसिले में, और मुरीद इस तरह के हैं कि ग़ुलामी वाले मुरीद हैं। आजकल ज़्यादातर लोग मुरीद नहीं होते। नाराज ना होना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो वैसे भी मुरीद नहीं होता, वो अगर हो कभी तो खलीफा ही होता है, डायरेक्ट मुरीद नहीं होता। मिजाज नहीं, मुरीद होने का मिजाज नहीं, ये तबीयत नहीं। आजकल लोग शागिर्द भी नहीं होते। नाराज हो गए आप लोग? हो जाए कोई मसला नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है, हो जाए बेशक। आजकल लोग शागिर्द भी इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई इमदादी किताब नहीं होती, इस तरह उस्ताद से को थोड़ा सा ना गाइडलाइन लेते हैं, वरना वो शागिर्द होने को तैयार नहीं है। मैं सही बताता हूँ, बहुत सारे शागिर्दों को मेरी मुलाकात होती है और बाद में वो कहते हैं ना मैं उस्ताद जी को बैठा सा, तो मैं चूँकि देहाती आदमी हूँ, मेरा दो डंडे लगाने को भी दिल करता है। तुझे पता ही नहीं उस्ताद जी के पास कैसे आया जाया करता है, तुझे खबर ही कोई नहीं। आ मैं तुझे बताऊँ बरेली के इमाम क्या बताते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे फ़काहत दे, दीन की समझ दे। हुजूर की दुआ से भी अल्लाह दे देता। हुजूर तो हजरत अबू हुरैरा को खाली बज़ाहर खाली चुल्लू भर के डाल दे तो अल्लाह ताला उससे कुव्वत हाफ़ज़ा दे देता है, तो यहाँ तो दुआ दी थी। लेकिन उनका ज़ौक़ इल्मी क्या बना, ये आला हजरत मलफूज़ात देखिएगा। वो ना ख़ानदान रसूल के चश्मो चराग हो के, हुजूर के चचा ज़ाद हो के, उस्ताद के दरवाजे पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो जाके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे। कहते मैं अपने उस्ताद के दरवाजे पर, कभी हजरत उबैद बिन काब के पास जाता रदियल्लाहु ताला अन्हु, कभी हजरत जैद बिन साबित के पास जाता, मैं जाके बाहर दरवाजे पे बैठ जाता, दस्तक नहीं देता था। टेलीफोन नहीं करता था कि पीर साहब मैं पहुंच गया जी, हार लेके बाहर आ जाओ। बाकायदा मुरीद साहब आ गए, जल्दी कर ले। उस्ताद जी मैं कब से बाहर खड़ा हूं, ये अंदाज नहीं। फरमाते हैं कि मैं दरवाजे में बैठ जाता और कभी कभी बैठे बैठे थक जाता, दस्तक नहीं देनी, वो खुद आएंगे तो दस्तक नहीं देना। कहते कभी यूं भी होता कि हजरत उबैद बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकान का दरवाज़ा चूँकि सहरा में खुलता था, तो ठंडी हवाएं मदीना चूमने आती तो रेत के मुकद्दस जर्रे उड़ के मेरे बालों में भी पड़ जाते, लेकिन मैं दस्तक नहीं देता था। उस्ताद मर्दी से बाहर आते थे और जब वो आ जाते तो फिर मैं झोली फैला के कहता मैं आपसे रसूल पाक की हदीसें सुनने आया। हजरत जैद बिन साबित से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने हदीस का सिमा किया था, उनसे रवायत ली थी। आला हजरत फरमाते एक दिन घोड़े पे बैठ के हजरत जैद बिन साबित आ रहे थे, तो ज़रूरत कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने लगाम थामी है, घोड़ा चल रहा है। लेकिन ये बताने के लिए कि मैं शागिर्द हूँ, ये बताने, मैं कभी इतना मसरूफ़ नहीं था ज़िंदगी में जब आजकल इतना मसरूफ़ हुआ हूँ। कल मैंने ज़ोहर के बाद इस्लामाबाद से कोई 1 घंटा ऊपर पहाड़ियों पे था मैं, और आज मैं ज़ोहर के बाद आपके पास हूँ। अभी मुझे गोजरा जाना है और फिर रात को वहाँ से वापस लौटना है, और कल ज़ोहर के बाद मुझे खानेवाल पहुँचना है। कई दफ़ा एक पैर उठाता हूँ तो उठाया नहीं जाता, गाड़ी में बैठे बैठे हद हो जाती है। और इसके बावजूद लोग रोज़ाना 25-30 लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि उन बड्डे हो गए वो टाइम ही नहीं देते, इसके बावजूद ये हाल। कभी कभी कुछ चीज़ें मज़ा देती हैं। मैंने एक वादा किया हुआ था, लाहौर में किसी से मैंने जाना था तो मेरे उस्ताद साहब का फ़ोन आ गया, फरमान लगे कितने में, ओ शागिर्दो तरस जाओगे नवाज़ों को, ये दो चार जो रह गई हैं उनकी कदर करो। कितने में भाई? मैं उसकी हुजूर में कहा रहा हूँ। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। मैंने चूँकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं क्या हुजूर मैं ज़रा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मज़ा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता, घर वाले पूछते पिंडी खैर है और मैं क्या मज़ा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम में। उन्होंने कहा परसों कभी मज़ा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल करके मेरे पास जुमा पढ़ते हैं, तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी पर अब्बा चौपी नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप उन्होंने बड़ी शानदार बात की। कहने लगे पीर साहब अम्मा जो दुंदी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जो मैं घर आंदा सा तो अम्मा कहती सी मुंडिया आ गया है रोटी लियाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूँ लगता था नहीं बाल सफ़ेद हुए हैं पर मैं हूँ अभी जवान, जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी आपकी, पुश्त पे कोई खड़ा रहेगी। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबा किराम याद रखना कमज़ोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। ज़रूरत नहीं थी, हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, और आला हजरत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आगे दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ी, तो हजरत जैद बिन साबित कहने लगे हो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे हमें बताया गया है, लफ्ज़ देखना मलफुजात शरीफ में आला हजरत ने लिखे, हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत जैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतर आए, और नीचे उतर के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उनके शागिर्द थे, उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल का एहतराम करना, हमें भी ये सबक दिया गया। तो ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ पैदा करें, अदब वाला ज़ौक़ पैदा करें, और इल्म सीखें तो अमल करने के लिए, सिर्फ तकरीर के लिए, बहस के लिए, कल को डिग्री लेने के लिए नहीं। आप इल्म इसलिए सीखें, जब ना इल्म खाली तकरीर बन जाता है ना, और इल्म खाली तदरीस बन जाता है, फिर वो इस तरह का भी बाज़ात मामला बनता है कि आरफ रूमी कहते हैं कि अगर तू सिर्फ लफ्ज़ तुझे याद है और तू अमल नहीं ना करता तो ये लफ्ज़ तो तोते को भी रटा दिया जाएगा तो वो भी रट लेगा, तेरा और उसका क्या फ़र्क होगा। जब तक आप अमल नहीं करते इल्म पर, जब तक उसको अमल के हुसूल के लिए हासिल करे खाली। मैं एक दरवेश को पढ़ रहा था, उनके खलीफा साहब ने ख़त लिखा, हज़रत मैं अब तकरीर भी करता हूँ, तदरीस भी करता हूँ, तसनीफ भी करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में शाबाशी नहीं दी बल्कि फरमाने लगे बेटा ये तो काम तुम लोगों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो? सहरी के वक्त उठ जाते हो नफल पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान रोज़ होती है, सजदे का ज़ौक़ हासिल है, दुरूद और सलाम की तबीयत है, ये तो लोगों के लिए काम है ना सारे, बड़ी अच्छी बात है, दीन की खिदमत करते हो पर अपना भी तो बताओ ना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का जो कमाल है वो ये है कि जो वो कहते थे ना उससे ज्यादा वो करते थे। उनकी तबीयत थी, वो करते थे। आप जब तक अपनी जिंदगी में अमल को नहीं लेके आते, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी से फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा है कि कुछ चिल्ला बताएं। ये लोग सलूक से वाबस्ता होते हैं ना, ये पूछते हैं चिल्ला करना है, वजीफा करना है। उनका ख्याल होता है कि 40 दिन पीर साहब ठंडे पानी में खड़ा कर देंगे तो फिर मेरे हाथ शायद को 4 जिन लग जाए। तो कहते हैं लोग पूछते हैं चिल्ला वजीफा, तो आप फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे बड़ा मुजाहिदा चिल्ला जिहाद, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना, इससे बड़ा चिल्ला कोई नहीं। ये चिल्ला लगाएं, आप करें, अमल वाली जिंदगी गुजारें, बदअमली वाली, जितना सीखें उस पर अमल करें। हमारे यहाँ हम महफिल में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप 30 मिनट तकरीर करते हैं, आज घंटा सुननी है। तो मैं कहता हूँ पिछली 30 मिनट वाली पे अमल हो गया है, और हो गया तो चलो और कर लेते हैं। बाकी ये है कि ये तो आपको अमल के लिए दीन सीखना था, जितना आप अमल करेंगे। सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के खलीफा हैं, वो कहते हैं कि मैं दोस्त था सदरुल अफ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी का। मैं चूंकि दोस्त था तो सैयद साहब आला हजरत की बड़े अकीदतमंद थे, तो अक्सर वो कहते मैंने बरेली शरीफ जाना है। तो एक दिन मैं पहुंच गया मुरादाबाद, तो उन्होंने सामान बांधा हुआ था बरेली शरीफ जाने के लिए। मैं भी पहुंच गया तो कहने लगे यार मेरी तो टिकट है ट्रेन की, मैं तो बरेली शरीफ जा रहा हूं। तो कहने लगे यार आप हर वक्त वहीं जाते रहते हैं, मैं मिलने आया था। तो कहते हैं मुझे कहने लगे हजरत सदरुल अफ़ाज़िल सैयद दीदार अली शाह साहब से कि चल आप तुम्हें भी ले चलो, दोनों सादात हैं, दोनों दोस्त हैं। कहने लगे मैंने नहीं जाना, सुना है वो तबीयत के ज़ात के पठान है तो तबीयत के सख्त है, मैं नहीं जाता। कहते उन्होंने मेरा ज़हन भी बनाया, कोशिश भी की, ज़हन साजी की, खैर मैं तैयार हो गया। जब हम बरेली शरीफ पहुंचे तो असर की नमाज की आखिरी रकत चल रही थी, तो फाजिल बरेलवी की तरफ इशारा करके कहने लगे वो देखो आला हजरत भी साफ में है। तो मुझे कहने लगे मेरा वुजू है। सदरुल अफ़ाज़िल भी नमाज में शामिल हो गए, मैंने वुजू करना था। कुएं पे एक तालिब इल्म मदरसे का पानी निकाले वुजू के लिए तैयार था, मैंने जल्दी से पानी आगे बढ़ के लिया। तो मुझे कहने लगा बाबा जी पहले पूछ तो ले। मैंने कहा शायद किसी तालिब इल्म की ड्यूटी है, क्योंकि आपको पता है अल्लाह खैर करे कुछ लोगों ने मदरसे बनाए ही इसलिए हैं कि तालिब इल्म नौकरी करेंगे। अल्लाह अकबर, इतना काम कराया जाता है माज़अल्लाह। अगर उनसे कहा जाए कि आपका शहजादा नूर भी बाहर निकले। मैंने तो अब दोस्तों से कहा तकवे का म्यार भी बदल दो। पहले कहते थे ना जी हमने कभी मदरसे की रोटी नहीं खाई। मेरे ख्याल में तकवा यह है कि खाया ही मदरसे की करो, पता चले बच्चे बेचारे क्या खाते हैं, यही खाओ ताकि तुम्हें समझ आए। आप ये अब मिजाज बदल के देखें कि ये अगर तो आप और आपके बच्चे भी खा सकते हैं तो ठीक है, फिर ये कौन सा म्यार है भाई। आप कहते हैं मैंने कभी खाई नहीं, वो खाने वाली है ही नहीं। वो आपके खाने वाली होती तो जरूर खाते, इल्ला माशा आमदाम बरसरे मतलब। फरमाते हैं तालिब इल्म से कहा पानी, तो कहने लगा जी नहीं मैं आपने पूछा नहीं। तो मैंने कहा चलो इजाजत दे दो। तो कहने लगे हजरत साहब मैं नाबालिग हूँ, अपनी मर्जी से भी अपनी चीज़ किसी को नहीं दे सकता। कहते मुझ पर चोट लगी। मैंने कहा यहाँ इल्म नहीं पढ़ाया जाता, इल्म का फैज़ भी दिया जाता है। ये अंदाज सुनेंगे जी आप। कहते मैं वज़ू किया, जब तक नमाज मुकम्मल हो गई, चूँकि हजरत सदरुल अफ़ाज़िल तो अभी नमाज में 3 रकअतें पढ़नी थी, तो आला हजरत बरेलवी मस्जिद की सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो मैं चढ़ रहा था। आला हजरत को अल्लाह ने कोई कमाल दिया था कि वो चेहरा देख के बता देते थे कि बंदा सैयद है। चेहरा देख अल्लाह ने उन्हें ये इंशराह सदर अता फरमाया। कहते पहले तो उन्होंने ना मेरे हाथ ही चूम लिए, बात ही रंगी और पकड़ गई, असर ही बड़ा हुआ। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? तो कहने लगे मौलाना तबीयत का क्या बताऊँ, ज़ात का पठान हूँ, तबीयत ज़रा सख्ती है। क्योंकि पठान हूँ तो तबीयत ज़रा मेरी सख्ती है। कहते हैं मैं समझ गया। बस पर हजरत सदरुल अफ़ाज़िल अगली सुबह कहने लगे चलें। मैंने कहा आपने जाना है तो जाएं, मैं जब तक दूर था बात और थी, अब तो हुजूर में हूँ, अब तो बात और है। तो मेरे भाई इल्म का फैज़ान हो, उस पर अमल हो। आखिरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है बड़े दर्द के साथ, वो ये है कि हमारे जितने बुज़ुर्ग थे ना, सूफिया थे, अल्लाह वाले थे, इनके दिलों में ना दूसरों के लिए बड़ा दर्द रहता था। हमारी तबीयतों में ना खुद गर्जी पूरे उरूज पे आई है। दूसरों के बारे में इनकी तबीयतें, जितने भी काम करते थे उम्मत की, मिल्लत की खैरखाई के लिए करते थे। हम इल्ला माशाल्लाह जो कदम उठाते हैं तो वो अपना नफा नुकसान देख के उठाते हैं। जब तक आपके दिल दूसरों के हक में नरम नहीं होते, गरीब आदमी जो होता है ना, ये सियाना नहीं होता। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गरीब सियाना नहीं होता। क्यों? कि महंगा मोबाइल ना हो तो चलाना भी नहीं आता, बंदा कैसे सियाना होगा। वो इसलिए सियाना नहीं होता कि कार ना हो घर में तो उसका दरवाज़ा बंद करना भी बंदे को नहीं आता। गरीब समझदार नहीं होते, और अगर वो समझदार होते तो फिर वो गरीब होते। फिर तो उन्हें भी सारे चोर दरवाज़ों का पता होता कि कहाँ से गुजर के। इनके बारे में ना अपने रवैये नरम किए जाएँ। मैं बड़े दर्द से अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ लोगों को इल्म सिखाने से पहले जाहिल कह दिया जाता है। मैं भी जनाजा पढ़ने से पहले कहता हूँ लोगों को नमाज जनाजा नहीं आती जी, तो अगर मेरे दो नमाजी मुझसे खड़ा करके पूछ लें कि मौलाना आपने किस दिन कहा था वो सिखाऊँ, तो उसका क्या हाल है। हमारा जो नौजवान थोड़ा पढ़ जाता है वो कहता है मेरे पिंड वाले जाहिल नहीं जी सारे। भाई आप बड़े जाहिल हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर आप उनको भी कुछ तालीम देते। देखिए ना, एक आदमी रोज सफर करता है जहाज का, रोज वो फ्लाइट में होता है, तो उसे तो पता है कि मैंने इमिग्रेशन कैसे करानी है, और मैंने बोर्डिंग कार्ड कैसे लेना है, और सीट नंबर कैसे, और सीट बेल्ट कैसे। तो एक बाबा तो बेचारा गरीब है, कमेटी डाल के उम्रा करने जा रहा है, तो उसको थोड़ी पता है कि इमिग्रेशन कैसे करानी है, तो पासपोर्ट कैसे थामना है। तो आपने सामने देख लिया कि जहाज का अमला बहस कर रहा है, बाबा कहता मैंने इधर ही बैठना है, वो कहता आपका सीट नंबर नहीं। महल्ले का नौजवान पढ़ा लिखा है, एमकॉम, बीकॉम, एमएससी, वो दूर खड़ा होकर कह रहा है जाहिल हैं जी हमारे महल्ले वाले, देखो इनको पता ही नहीं। भाई जाहिल तो आप हैं, अगर नाराज ना हो। अगर आपको पता चल गया तो आप मेरे महल्ले के बाबा जी हैं और आप तालीम याफ्ता थे, तो उठ के दरवाजे पे इस्तकबाल करना चाहिए था, और सीट नंबर देख के खुद बिठाते, हाथों से सीट बेल्ट बांधते, और पानी की बोतल दे के कहते बुजुर्गो परेशान ना होना, फुलां सीट पे बैठा हूँ, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज़ दे लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुम आग में गिरते हो इस तरह पतंगे गिरते हैं, और मैं तुम्हें सीना बंद से खींच खींच के पीछे लाता हूँ। तो अनपढ़ को इल्म देना है या उस पर तनकीद करनी, बेअदब को अदब सिखाना है या उस पर तनकीद करनी। हम जब तक ये ज़हन नहीं बनाते आदाब का, और जब तक हम लोगों के बारे में अपने दिल को नरम नहीं करते, उतनी देर तक खैर के जज्बात नहीं पैदा होते। एक दानश्वर गुजरे हैं मरहूम वासिफ अली साहब, तो एक इदारा चलाते थे वो भी, तो वो जो बच्चे दाखिल करने वाला था ना, उसके पास को बंदा आता, वो दाखिला फीस और ये वो बताते, तो वो जाके ना वासिफ साहब से कहते कि मोहतरम ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहते फ्री दाखिल कर लो इसको भी। फिर एक और आ गया, कल उसने भी कहा फीस कोई नहीं, कहा इसको भी फ्री दाखिल कर लो। तीसरा आ गया फ्री। तो क्लर्क एक दिन कहने लगा जनाब का स्कूल है, जनाब की मर्जी है, जो मर्जी करे। लेकिन इस तरह इदारे तो नहीं चलते, साहब को मुफ्त पढ़ाना है तो तनख्वाहें कहाँ से देनी है, अखराजात। तो क्या खूबसूरत बात की, कहने लगे तुम्हें किसने कहा है मैं स्कूल चला रहा हूँ और कारोबार कर रहा हूँ। तो कहा जनाब फिर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं तो अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूँ कि मुझे दुआएं मुस्तार ना लेनी पड़े, कोई रो के दुआ कर दे, किसने मुझे पढ़ाया था, मुफ्त मेरी तालीम का खर्च उठाया था, तो कुछ जनाजे के बंदे भी तो पक्के करने चाहिए ना। सारी जिंदगी अब ये कि मकान ही पक्का करते रहे बंदा, बैंक बैलेंस ही पक्का करता रहे। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप उनको देखें तो मौलाना जमीलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि सिर्फ यूँ परेशान होके और तकलीफ में आके 10-20 हज़ार नहीं, किसी को 100 झिड़कियां पिला के नहीं, बल्कि कहते हैं बेवाओं के बाकायदा वजीफे लगाए थे आला हजरत, हर महीने खर्चा जाता था। फरमाते मैंने देखा कि जिस तरह के कपड़े वो अपने पोते के लिए बनवाते थे, तालिब इल्मों के लिए भी इसी तरह के बनवाते थे। और फरमाते मैंने ये भी देखा कि दरवाजे पे जो आता था ना, उसको देते भी थे और उससे माजरत भी करते थे कि मैं तेरी तलब तो पूरी नहीं कर सकता, पर जो हैसियत है उसके मुताबिक तुझे, जब तक आप लोगों के हक में तबीयत को नरम नहीं करते आप। मैंने कहा कि गरीब सियाना नहीं होता। हम कहते हैं आप ये अक्लमंद नहीं, तो भाई अक्लमंद जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने, ये तो पैसों से अकल आती है भाई। फिर तो हमने देखा है कि गरीब से गलती हो जाए तो लोग कहते हैं तो उन्हें जान के बर्तन तोड़ा है, जानबूझ के करता है, और अमीर से हो जाएगा तो नहीं नहीं जनाब सारे ही आपके हैं, बेशक तोड़ दो सारे, क्योंकि बंदा तगड़ा है ना। तो अपना दिल नरम करें दूसरों के हक में। मैंने कॉलेज में वक्त गुजारा है, तो एक साल मेरी भी फीस मेरे एक दोस्त ने दी थी, मुझे याद है, और शायद ज़िंदगी में किसी भी फिजा में उड़ूँ तो बंदा नहीं भूलता, बस दी थी उसने, क्या किया जाए, दी थी। तो होते हैं लोग, उनके बारे में अपनी तबीयतों को नरम करें, जहन बनाएं, अपना ज़ौक़ पैदा करें। अगर आप दूसरों के बारे में नरम नहीं होते, नरम कैसे होंगे, उनकी गलतियों समेत उन्हें कबूल करें। ये नहीं है कि वो आपके हक में अच्छे हैं। एक हदीस सुन लें, बात ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ किया गया था या रसूलल्लाह बेहतरीन सदका कौन सा है, तो हुजूर ने फरमाया उस रिश्तेदार को दे जो ज़रूरतमंद भी हो और तुझसे नाराज़ भी हो। तेरी नाराज़गी भी चल रही हो पर बंदा ज़रूरतमंद हो तो उसे दे, ये बेहतरीन सदका है। इसलिए कि तूने राज़ी नाराज़गी रिश्तेदार की नहीं देखनी, तूने अल्लाह की रज़ा देखनी, उधर तवज्जो करके देंगे तो बेहतरी होगी। फिर एक दफ़ा दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के इदारे को बरकतें दे, आप सबको और मुझे अल्लाह तौफीक के अमल अता फरमाए।